हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज मैं रिव्यू देने वाली हूँ द डमाको का टेन परसेंट विटामिन सी फेस सीरम इसको मैंने पर्सनली यूज़ किया है एंड इसके जो बेनिफिट एंड नेगेटिव पॉइंट है ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ एंड इसको कब आपको यूज़ करना है एंड कब अवॉइड करना है ये सभी कुछ मैं डिटेल में बताऊँगी तो वीडियो को एंड तक देखना वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो चलो वीडियो शुरू करते हैं सो वाइज ये है द डमा कोका टेन परसेंट विटामिन सी फेस सिरम जिसमें है फाइव परसेंट एंड हाइलोनिक एसिड ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड पैराबिन फ्री है एंड एस एल एस फ्री है ये टेन एम एल प्रोडक्ट है एंड इसके पीछे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट मिल जाएगी एंड इसका प्राइस है थ्री फोर्टी नाइन तो अब बात करते हैं कि ये सिरम हमारे कौन कौन से स्किन प्रॉब्लम को ट्रीट करता है सो बेसिकली विटामिन सी हमारे स्किन से हाइपर पिगमेंटेशन पिगमेंटेशन डिसकलरेशन एंड हमारे जो एक्ने हो जाते हैं उसके स्पॉट्स को बहुत हद तक रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है प्लस विटामिन सी हमारे स्किन को ब्राइटन अप बनाता है एंड इवन टोन करता है और इसमें फाइव परसेंट नया है नियासिनमाइड हमारे पोर्स को मिनिमाइज़ करता है और हमारे फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को भी मिनिमाइज़ करता है एंड अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयल आता है तो ये उसको भी रिड्यूस करता है और इसमें हाइलरॉनिक एसिड भी है जो हमारे स्किन को हाइड्रेट रखता है इस सिरम से रिगार्डिंग मेरा क्या ओपिनियन है इसके बेनिफिट्स एंड इसके नेगेटिव पॉइंट ये सभी कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डिटेल में सो so गाइज़ इस सिरम को मैंने एटलीस्ट टू वीक्स तक अप्लाई किया है एंड उसके बाद मैं इसको क्यों नहीं कंटिन्यू कर पाई इसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगी सो पहले मैं इसके बेनिफिट्स की बात कर लेती हूँ इसमें हालरोनिक एसिड है so सो स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट रहती है प्लस इसका जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल भी ग्रीसी या स्टिकी नहीं है so सो स्किन में अच्छे से एब्जॉर्व भी हो जाता है तो अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ जब मैंने इसको अप्लाई करना शुरू किया था तो स्टार्टिंग के फर्स्ट एंड सेकेंड डे में इसने मेरी स्किन पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया किसी भी तरह से इचिंग या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ एंड थर्ड एंड फोर्थ डे में मैंने नोटिस किया कि मेरे स्किन पे पिंपल आने शुरू हो गए एक्ने में कभी भी वाइटमिन सी सिरम्स नहीं लगाना होता है तो मैं इसको एक्ने में छोड़ देती थी एंड जहाँ भी मुझे पिगमेंटेशन होती थी या स्पॉट होते थे एज ए स्पॉट ट्रीटमेंट मैंने इस सिरम को अप्लाई करना शुरू कर दिया एंड फिर मैं नोटिस करती हूँ कुछ दिन बाद कि जहाँ भी मैं इसको लगा रही थी वहाँ भी पिम्पल आने शुरू हो गए बट फिर भी मैंने इसको कंटिन्यू रखा क्योंकि मुझे इसके रिज़ल्ट जानने थे बट उसके बाद मैं इसको यूज़ नहीं कर पाई क्योंकि इसमें मुझे और भी आंकने होने लगे थे ऐसा नहीं है कि मैंने पहले वाइटामिन सी सिरम्स नहीं यूज़ किए हैं इसके पहले भी मैंने बहुत अदर ब्रांड्स की यूज़ किए हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा मेरे स्किन के ऊपर वर्क भी किया है बट डर्मा को सिरम ने मेरी स्किन पर बिल्कुल भी अच्छा वर्क नहीं किया अगर आप इसे यूज़ करते हैं आपकी स्किन पर अच्छे से वर्क कर रहा है तो आप इसे यूज़ करें सबका स्किन टाइप स्किन कंसर्न अलग अलग होता है कुछ चीज़ें मुझे सूट नहीं कर रही हैं बट हो सकता है आपको कर रही हूँ अगर आप इसे परचेज़ कर रहे हैं या कर चुके हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इसको यूज़ कैसे करना है आपको अपना फेस वॉश करना है एंड इसके टू थ्री ड्रॉप्स लेके आपको अपने स्किन पे अप्लाई करना है हाथों पर रब नहीं करना है एंड इसको डैम्प स्किन पे नहीं लगाना है ड्राई स्किन पे लगाना है फिर आपको मॉइस्चराइज़र लगा लेना है अगर आप मॉर्निंग में अप्लाई कर रहे हैं तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं गाइस अगर आप अभी सिरम्स लगाना शुरू कर रहे हैं तो आप मेक श्योर sure कि लो कंसन्ट्रेशन से ही शुरू करें आप इसका फाइव परसेंट कंसनट्रेशन ले सकते हैं क्योंकि अगर आप डायरेक्ट टेन परसेंट पर जाएंगे तो हो सकता है कि आपकी स्किन इरीटेट भी हो जाए अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो मेक श्योर sure कि पहले आप पैच टेस्ट करें देन स्किन पर अप्लाई करें गाइज इस वीडियो में मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है इस सिरम से, से रिगार्डिंग सो आई होप कि आपको भी वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको भी स्किन केयर से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक like कर दीजिएगा और मुझे में बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बाय